सुपरस्टार्स की पत्नियों से उनकी नहीं जमती। जी हाँ, आज हम कुछ फैक्ट्स रिलीज करेंगे जिसके बाद आपको सुनने के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि बात में दम तो है। भोजपुरी हमारे जितने भी सुपरस्टार हैं, जितने उनकी पत्नियों से उनकी नहीं जमती, या फिर वो दोनों एक ही घर में रह के अजनबियों की तरह रहते हैं, या फिर दूर दूर रहते हैं, लाइक पवन और ज्योति। वैसे आपको बता दें कि इसमें सबसे ऊपर नाम पवन और ज्योति का ही है। इन दोनों में काफ़ी झगड़े होते हैं और यही कारण है कि ये दोनों साथ नहीं रहते। साथ ही अगर आप बात करेंगे कि इन दोनों ने क्या कभी पहल नहीं की होगी, की है, दोनों के परिवारों ने भी की है, लेकिन ये दोनों की कंपैटिबिलिटी आपस में मैच बिल्कुल नहीं खाती। खैर, आगे बढ़ते हैं और खेसारी लाल यादव की तरफ। तो खेसारी लाल यादव का भी यही हाल है, लेकिन खेसारी के दो बड़े बच्चे हैं और खेसारी नहीं चाहते कि उनके झगड़ों की वजह से बच्चों का फ्यूचर खराब हो। अब ऐसे में सुनने में आया था कि जब देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान जो खेसारी लाल यादव बिहार गए हुए थे, तब उनका और उनकी पत्नी का जमकर झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा काजल राघवानी की वजह से ही हुआ था। यानी अमूमन इन लोगों में झगड़ा हीरोइंस और ट्रस्ट इश्यूज को लेकर ही होता है, और इस झगड़े ने इतनी तूल पकड़ी कि खेसारी लाल यादव को अपना घर छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा। वैसे वो शूटिंग पर निकल ही जाते हैं जब चंदा यादव और इनके बीच झगड़ा होता है। वो तो लॉकडाउन था तो शूटिंग कहीं चल नहीं रही थी, तो ऐसे में उन्होंने अपने गांव जाकर अपने लोगों से मिलना ही बेहतर समझा। और बात खेसारी लाल यादव से हटी है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ पर चल जाए। तो भाई, आप सभी ने देखा होगा कि कभी मीडिया के सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी नहीं आई और ना ही इन लोगों के बीच कभी कोई अनबन आई। वैसे अनबन तो आम्रपाली और निरहुआ में भी बहुत होती है, लेकिन ये अनबन कभी सामने इसलिए नहीं आती क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है। और सेम ही इशू निरहुआ और उनकी पत्नी के बीच में भी है। निरहुआ की पत्नी में ट्रस्ट इश्यूज तो हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब हो, इसलिए ये दोनों इस ट्रस्ट इश्यूज को साइड में रखकर अपने मामले को खुद ही सुलझा लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब बात अगर हीरो से हटाकर हीरोइंस पे की जाए, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। अंजना सिंह और यश मिश्रा के बीच ही देख लीजिए, ये दोनों अलग अलग रहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। एक दूसरे पे शायद रिश्तों में भरोसा ही नहीं है, लेकिन इनकी बच्ची जो है अदिति, इनकी जान है। इस वजह से ये दोनों आज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और अब बात हो जाए स्मृति सिन्हा की, तो स्मृति सिन्हा के साथ भी यही है। उनकी शादी हो चुकी थी 2 साल पहले, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती और मामला वही ट्रस्ट इश्यूज का है। हमारे भोजपुरिया स्टार्स के साथ ये होता है कि जिस एक्ट्रेस के साथ वो काम करते हैं, वो लगातार उसी एक्ट्रेस के साथ काम करते जाते हैं। और कई बार भोजपुरिया एक्ट्रेसेस खुद ही इन बातों को रिवील करती हैं कि हमारे भोजपुरिया स्टार्स अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही काम देते हैं, और जब उनको लगा कि ये हीरोइन उनके साथ कम्फर्टेबली रहेगी और उनके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करेगी, तो उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। ये बात अक्षरा सिंह ने भी कही है और शुभी शर्मा ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कही है कि भोजपुरिया एक्टर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ही अपने फिल्मों में हीरोइन को रखते हैं। अब कन्वीनियंट क्या होता है आप सभी समझ सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।